हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 15 में कॉन्फ़िगरिंग रिमोट एक्सेस टेलनेट एंड एसएसएच, यानी कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिमोट एक्सेस को अपने टेलनेट और एसएसएच प्रोटोकॉल का यूज करके। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं हम इसे। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम BTY पासवर्ड्स पे, यानी कि हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि BTY पासवर्ड जो है वो होता क्या है। तो पासवर्ड ऑफ द BTY की जो फुल फॉर्म होती है वो यहाँ पे होती है वर्चुअल टेली टाइप। BTY क्या है? एक वर्चुअल कनेक्शन है, यानी जब भी आपको कभी दो डिवाइसेस के बीच में जैसे राउटर है या स्विच है कोई वर्चुअल कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए आपको BTY का यूज करना पड़ेगा। BTY एक अगर कॉमनली बात करें तो BTY जो है आपको कुछ लाइंस प्रोवाइड कराता है कम्युनिकेशन की, यानी कि आपके जो है कम्युनिकेट करना है आपके दो डिवाइसेस के, तो आप उन लाइन का यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूज फॉर टेलनेट एंड SSH इनटू द राउटर। तो मेनली हमें जो कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है वो टेलनेट और SSH प्रोटोकॉल का यूज करके हम कराते हैं दो डिवाइस में, यानी रिमोट लेते हैं। डिफरेंट राउटर एंड स्विच कैन हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ BTY पोर्ट्स। अलग अलग आपके जो राउटर या फिर स्विच है वो अलग अलग BTY पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कॉमनली बात करूं तो BTY जो सपोर्ट करता है वो आपके 0 से लेकर के 15 तक के पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, यानी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 0 पोर्ट से लेकर के और आपका 15 पोर्ट जो है, यानी टोटल 16 कनेक्शन जो है 16 लाइन प्रोवाइड कराता है आपको BTY। अब डिफरेंट डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग हमें जहां पर जितनी नीड है हम उतने यहां पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम देख लेते हैं इसे कॉन्फ़िगर करके। जैसे कॉमनली मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स लिखे हुए हैं वो क्या है, आपको लाइन BTY 0 space 4, यानी हमने 5 लाइन को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। हम चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं बट नॉर्मली हम 5 लाइन को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, मैंने जेट सेट किया हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे हमारी टोपोलॉजी यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गई है। अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर जो है IP एड्रेसेस की, यानी अगर हमें रिमोट लेना है तो यहाँ पर IP कॉन्फ़िगरेशन भी होनी चाहिए। तो IP कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर मुझे एक तो सीरियल पे और फास्ट इथरनेट दोनों पर IP डालना पड़ेगा। वैसे हम राउटर का करने वाले हैं तो सिर्फ सीरियल से भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो है PC से भी रिमोट लेकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं Config T और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम IP एड्रेस 192.168.10.1 और इसका सबनेट मास्क और नो शटडाउन कर देते हैं। दूसरा IP जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम इंटरफेस S030 इस पर कॉन्फ़िगर करेंगे और IP एड्रेस डाल लेते हैं हम 10 की रेंज पर डाल लेते हैं। वैसे हम यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेस इसका सबनेट मास्क दे देते हैं और नो शटडाउन। लेकिन इससे पहले हमारे क्लॉक देख लेते हैं किस साइड में है। तो क्लॉक हमारी इसी साइड में, तो हम यहाँ पर क्लॉक रेट भी कॉन्फ़िगर करेंगे और इसकी बैंड विड्थ भी कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके बाद चलाएंगे यहाँ पर नो शटडाउन। तो ये मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर दिया है। दूसरे राउटर में भी यही काम करना है, तो हम यहाँ पर भी चलते हैं इसके CLI में और इंटरफेस Config T करने के बाद यहाँ पर इंटरफेस ले लेते हैं FS0/0 और IP एड्रेस जो यहाँ पर डालेंगे हम दूसरा नेटवर्क बना लेते हैं 192.168.20.1 की रेंज का ले लेते हैं और इसका सबनेट मास्क और नो शटडाउन, क्योंकि क्लॉक हमारी दूसरी साइड थी तो इस साइड में क्लॉक नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली इस पे कॉन्फ़िगर कर लिया है और इसके बाद हम एक दूसरा IP और कॉन्फ़िगर करते हैं सीरियल के लिए। तो यहाँ पर भी सीरियल S030 है, तो मैं यहाँ पर INT S0/3/0 ले लेता हूँ। IP एड्रेस यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे 10.0.0.2 और सबनेट मास्क और देन नो शटडाउन। तो ये मैंने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करा दी है। PC में IP हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो PC में यहाँ चलते हैं IP कॉन्फ़िगरेशन और IP यहाँ पर डाल लेते हैं। तो जो यहाँ पर IP डालने वाले हैं वो 192.168.10.2 के बाद में नीचे हम जो इसका गेटवे डालेंगे वो हम राउटर का फास्ट इथरनेट का IP डालते हैं हमेशा, तो वो डाल देंगे। दूसरे PC पे चलते हैं, यहाँ पर भी हम कॉन्फ़िगर करा देते हैं 192.168.10.3 और यहाँ पर भी हम डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल देते हैं 10.1। नेक्स्ट नेटवर्क में चलते हैं तो यहाँ पर भी हम कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे 192.168.10
सॉरी 20.2 और इसका सबनेट मास्क 192.168.20.1 और यहाँ पर जो 5 हो गया है उसे हटा देते हैं और दूसरे पीसी पे भी डाल देते हैं यहाँ पर। तो दूसरे पीसी में जो हम डालेंगे वो 192.168.20.3 और इसका डिफॉल्ट डेट पे डाल देते हैं 20.1। यानी हमने सक्सेसफुली सारी कॉन्फ़िगरेशन करा दी है, टोपोलॉजी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें कॉन्फ़िगर करने वाले हैं BTY पासवर्ड को। तो BTY पासवर्ड के लिए आप क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाने के बाद यहाँ पर आप कराओगे लाइन BTY और 0 स्पेस, जितनी भी आपको लाइन ओपन करनी है उन्हें आप, तो हम कॉमनली 4 देते हैं टेलनेट के लिए क्योंकि टेलनेट 4 को सपोर्ट करता है सब। अब हम इसके बाद 0 स्पेस 4 दे देंगे और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एक सेट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 दे दिया मैंने कॉमनली और लॉगिन कर लेते हैं। तो ये मेरा इसका रिमोट जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। कॉन्फ़िगर करने के बाद दूसरा हम अब इसका रिमोट लेकर देखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ चलते हैं और प्रिविलेज मोड पे चलेंगे। प्रिविलेज मोड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड चलाएंगे टेलनेट स्पेस 10.0.0.1 और एंटर करेंगे पासवर्ड 1 2 3 4 5 और आप देखेंगे हमारा राउटर का रिमोट आ गया। अब आप कहेंगे कैसे पता लगेगा इसे, तो हम इसका एक काम करते हैं, इसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, तो होस्ट नेम और ऑसम दे देते हैं। तो ये मैंने इसका होस्ट नेम चेंज कर दिया है और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा होस्ट नेम चेंज हो गया, यानी कि हमने सक्सेसफुली फर्स्ट वाले जो राउटर है उसका रिमोट यहाँ पर ले लिया है। इस तरीके से आप टेलनेट से जो है रिमोट ले सकते हैं। तो टेलनेट से रिमोट लेने के साथ में क्या है, हमने 0 स्पेस 5 दिया था, यानी आप एक साथ इसका रिमोट जो है 5 PC पर ले सकते हैं। तो 5 PC पर हम इसे जो रिमोट ले रहे हैं तो वो कैसे ले सकते हैं कि अगर जैसे मैं इन सारे PC पर लेता हूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पर लिखते हैं टेलनेट स्पेस 10.0.0.1। ये ट्राइंग करेगा और ट्राइंग करने के बाद आई थिंक ये विदाउट राउटिंग के ऐसे सपोर्ट ना करे। तो एक काम करते हैं, हम इसी नेटवर्क में ले लेते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट वाले पर जो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई थी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है PC लगा लेते हैं कुछ 3 4 5 और एक 6 लगा के देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम 6 PC को कनेक्ट करा देते हैं और कनेक्शन देने के बाद में ये कनेक्शन अच्छा इस पर हो रखा है तो ये कनेक्शन मैंने लगा दिए हैं। अब क्या करते हैं, हमने इस पर IP डाल दिया था, इस पर भी IP डाल दिया था, इन पर भी IP बचा हुआ है, तो हम इन पर IP और डाल देते हैं ताकि मैं इस पर रिमोट लेकर इसका देख सकूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 पे पड़ गया तो 3 पे डालते हैं और यहाँ पर 192.168.10.10 के बाद में मैंने 2 3 4 दे देते हैं इस पर और यहाँ पर इसका गेटवे डाल देते हैं। ऐसे नेक्स्ट PC पे चलते हैं। तो नेक्स्ट PC पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वापस दे देंगे हम 4 पड़ गया था 5 दे देंगे और 1 दे देंगे। इसके बाद 6 दे देते हैं यहाँ पर, तो 6 के लिए हम 6 दे देंगे और 1 दे देते हैं। 7 दे देते हैं इसके बाद, तो ये मैंने यहाँ पर 7 दे दिया। तो मैंने ये सारे के सारे क्या किए, इन पे IP सेट कर दिए। अब मैंने इससे रिमोट ले रखा था, नहीं लिया था, तो यहाँ से ले कर देखते हैं, हम सब पे रिमोट लेंगे एक साथ। तो टेलनेट मैंने दिया है यहाँ पर 192.168.10.1। तो 10.1 का रिमोट लेना है, तो 1 2 3 4 5 एक रिमोट आ गया। दूसरे पर क्या करेंगे, हम दूसरे पर यहाँ लेंगे टेलनेट 192.168.10.1 1 2 3 4 5 और इसके बाद नेक्स्ट वाले पे भी रिमोट ले लेते हैं। तो रिमोट नेक्स्ट वाले पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके टेलनेट और 192.168.10.1 1 2 3 4 5 और हमने 3 पर रिमोट ले लिया है। अब हम 4th नंबर पे रिमोट लेंगे, तो टेलनेट 192.168.10.1 1 2 3 4 5। इसके बाद हम 5th नंबर पे और ले लेते हैं। तो 5th नंबर पे जैसे हम लेंगे 10.192.168.10.1 और
आप देखेंगे हम रिमोट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी क्या किया, हमने चार तो पीसी पे ले लिया, एक हमने राउटर पे भी रिमोट ले रखा है, तो इस वजह से इसकी पांच लाइन बिजी चल रही हैं। अगर मैं इसके बाद अब क्या करता हूँ, मैं एग्जिट कर दिया मैंने राउटर से, और अब अगर मैं यहाँ पर टेलनेट कराता हूँ तो 1 2 3 4 5 आप देखेंगे रिमोट ले लिया मैंने, यानी मेरी लाइन कितनी यहाँ पर चल रही है, 5 लाइन्स चल रही हैं। तो इस तरीके से हम टेलनेट से रिमोट ले सकते हैं। आई थिंक BTY का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ पर। इसके बाद बात कर लेते हैं SSH की। तो SSH क्या है, ये टेलनेट की तरह ही एक प्रोटोकॉल है आपका वर्चुअल कनेक्शन बनाने के लिए, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो डेटा फॉर्मेट होती है वो इनक्रिप्टेड रहती है, यानी कि आपके पासवर्ड या फिर आपके डेटा को कोई भी जो है पढ़ नहीं सकता, कि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, यानी कि ये ज़्यादा सिक्योर रहता है आपका SSH। तो चलिए देख लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, कैसे कराएंगे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने पैकेट ट्रेसर पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेकंड वाले राउटर में कॉन्फ़िगर कराने वाले हैं अपने SSH को। तो चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कराने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं अपने कॉन्फ़िग मोड में, कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पर सबसे पहले हमारा होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। तो होस्ट नेम हम चेंज कर लेते हैं, कुछ और रख देंगे कि ऑसम हमारे दूसरे स्विच का जो सॉरी दूसरे राउटर का नाम है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं क्लब। तो ये क्लब मेरे इस राउटर का नाम हो गया है। इसके बाद एक IP डोमेन सेट करना पड़ेगा हमें, यानी कि SSH में क्या है कि आप जिस राउटर पे SSH कॉन्फ़िगर करा रहे हो उसे आप एज अ डोमेन कंट्रोलर की तरह यूज़ करोगे, यानी एज अ सर्वर, SSH सर्वर बन जाएगा आपका ये। तो IP डोमेन नेम और इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पर awesome.com। इसके बाद हम एक क्रिप्टो की यहाँ पर जनरेट करेंगे, क्रिप्टो की जनरेट RSA जी, यानी कि हमारा जो क्रिप्टो की हो, यानी आपका जो भी डेटा इंक्रिप्टेड है उसे डिक्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ हो। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कितने बिट की आपको की चाहिए, 512 आपकी रिकमेंडेड है आप, लेकिन कितनी दे सकते हो आप, 360 से लेकर के 2048 तक की कुछ भी दे सकते हो। तो हम एक मीडियम साइज़ की 1024 ले लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे IP का जो SSH वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या है, 2 है। इसके बाद लाइन BTY हम सेट कर देते हैं इस पर, तो लाइन BTY 0 space 8, यानी आपकी 9 लाइन जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, इसके बाद लॉगिन लोकल करेंगे, यानी कि जो हम यहाँ पर लॉगिन लोकल कब करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड हमने BTY के लिए अलग से कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया है। हम क्या करने वाले हैं, हम एक लोकली आपके राउटर में जो है एक यूज़र नेम वो पासवर्ड बनाने वाले हैं, यानी कि लॉगिन लोकल से क्या होगा, आपके उसी यूज़र नेम पासवर्ड का यूज़ किया जाएगा SSH के एक्सेस करने के लिए। तो लॉगिन लोकल कर देते हैं, और इसके बाद एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपका जो है वो हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो यूज़र नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पर ट्रेनर दे रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं, तो पासवर्ड मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 दे देता हूँ और एंटर कर देते हैं, यानी कि अब मेरा SSH यहाँ पर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे राउटर पे चलते हैं और यहाँ से इसका रिमोट लेते हैं। तो रिमोट लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले इनेबल करेंगे SSH IPS-L देने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना यूज़र नेम डालेंगे जो मैंने दिया था ट्रेनर, और इसके बाद IP एड्रेस डालेंगे। IP एड्रेस मेरा क्या 10.0.0.2 है। इसके बाद पासवर्ड पूछेगा, तो 1 2 3 4 5 हम यहाँ पर पासवर्ड देंगे, यानी आप देखेंगे ऑसम से हम क्लब वाले का रिमोट ले चुके हैं, यानी आप SSH से कॉन्फ़िगरेशन भी इस तरीके से करा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू गाइस।